जंगल में रहना बहुत ही मुश्किल है, पर यहाँ पर अगर किसी से डर है तो वो है हमारे प्रैंक्स। मिस स्मिथ इधर उधर छुप क्यों रही है? वो एक बड़ा जानवर का पंजा दिखाकर लड़कियों को डराना चाहती है। एक बड़ा सा जानवर का पंजा पार्चमेंट पेपर पर बनाएं, हॉट ग्लू की परत लगाएं, और उस पर एक्रिलिक पेंट लगाएं। पार्चमेंट पेपर से वो प्रिंट काट लें। इस तरह से कीचड़ में एक पंजा बिल्कुल ठीक है। ओ, एक स्नोमैन! नहीं, आखिरकार हम रुके। काम करो लड़कियों, टेंट लगवाओ। बदकिस्मती से हम यहाँ अकेले नहीं है, दुनिया के सारे मच्छर यहाँ है। शांत हो जाओ। मिस स्मिथ को एक जांचा और परखा हुआ रास्ता पता है। सूखी हुई लौंग और एक चम्मच वैनिला शुगर पर गर्म पानी डालें। इसे आधे घंटे के लिए रख दें। इसे एक छोटी बोतल में डालें। लिक्विड को अपनी त्वचा पर मलें। ऐसा लगता है कि मच्छरों को ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो हमसे दूर रहेंगे। और मिस स्मिथ क्या करेगी? उसके पास एक अपना मच्छर भगाने का उपाय है। एक जालीदार कपड़े से एक बैग सिलें। इसे उल्टा कर लें। बराबर मात्रा में सूखे मसाले मिला लें। आपको चाहिए सेज, चैमोमिल और मैरीगोल्ड। इन्हें एक बैग में डाल दें और इसे सिलकर बंद कर दें। ये हर्ब का पैकेट सभी मच्छरों को डराकर दूर रखेगा। आप तो ठंडी हो गई। हमारे मार्शमेलो का क्या होगा? चलो बनाएं एक कैंप फायर। हमारे पास जो भी है उससे हम एक मार्कर या क्रेयॉन को भी जला सकते हैं। एक अल्कोहल वाला मार्कर बहुत जल्दी जल गया, मोम वाले क्रेयॉन से भी बेहतर। पर मिस स्मिथ आपके लिए नियमों का पालन करती है। ये लाइफ हैक बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम कौन सी स्वादिष्ट और सेहतमंद डिश ग्रिल पर बना सकती हो? सेव बे ओटमील। सेव के ऊपरी हिस्से को काटें, बीज वाले हिस्से हटाएं, उसके अंदर ओटमील भर दें, उसके अंदर सूखी किशमिश और ब्राउन शुगर डालें। सेब को कटे हुए हिस्सों से वापस ढक दें और उसे फॉइल में लपेट दें। ओह, ये कितना गर्म है! और खुशबू भी कितनी बढ़िया है। ओटमील सेब के जूस से रसीला हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट। मिस स्मिथ के पास एक खास रेसिपी है। ये है टमाटर के अंदर फ्राई किया हुआ अंडा। एक बड़े टमाटर के ऊपर का हिस्सा काटें, अंदर का गुदा निकालें। एक कच्चा अंडा डालें, नमक और काली मिर्च डालें, उसमें कुछ कटा हुआ धनिया डालें, ऊपर से ढक दें और फॉइल में लपेट दें। आप एक बड़े आलू के अंदर भी अंडा पका सकते हैं। इन सब्जियों को कैंप फायर में रखें और आपकी डिश तैयार है। ये रहा मेरा स्वादिष्ट खाना। ये कैंप का खाना तो किसी भी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया है। अब समय है चाय का। ये कितनी कड़वी है! ये लो थोड़ी चीनी। चीनी के दानों पर काली फूड कलरिंग से कीड़ियां बनाएं।
इन दानों को डिब्बे में वापस रख दे। आ कीड़ियाँ, कितना घिनौना है ये, भागो। एक और बेरीज के बारे में पकाओ भाषण। चलो अपनी जहरीली बेरीज लेते हैं और मिसमित को बेवकूफ बनाते हैं। खाने वाली कैंडीज को गूंदे, उनमें नीली फूड कलरिंग डालें। और छोटी छोटी गोलियां बनाएं, उन्हें जहरीली बेरीज जैसा बनाएं। बेरीज को पतली तार में लगाएं। तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी इसे बाहर निकालो, एम्बुलेंस बुलाओ। शांत हो जाओ मिस स्मिथ, हमारी बेरीज कैंडी से बनी है। स्नैक खाने का समय हो गया, हमारे पास सिर्फ एक ही बर्तन है पर हमें अलग अलग चीजें खानी है। हम क्या करें, खाने को जिपलॉक बैग में डालें और उनमें छोटे छोटे छेद करें। हर एक को अपनी पसंद का खाना चाहिए, बकवीट, ओटमील या एक ऑमलेट। आप आसानी से एक ही बर्तन में जो भी चाहे पका सकते हैं अगर आपके पास जिपलॉक बैग है। पेट भर गया, अपने आप को धूप से बचा के रखना बहुत जरूरी है। मिस स्मिथ कैंप्स पर भी टीचर की तरह ही है, एल्मर ग्लू से बढ़िया कुछ भी नहीं। सनस्क्रीन को खाली ग्लू की बोतल में डालें। ये क्या हुआ, मिस स्मिथ ठीक तो है, ये रही असली सनस्क्रीन। हे मेरे भगवान, ये कितनी चिपचिपी है, बचाओ। हमें कैंपिंग और हाइकिंग पसंद है, हमें मजा तब आता है जब हमें आराम करने को मिलता है। क्या तुम्हें ये जगह भी अच्छी नहीं लगी? ओह हम थक चुके हैं। मिस स्मिथ के पास हमेशा प्रोटीन बार्स होते हैं जिससे वो किसी भी समय अपने आप को एनर्जी दे सकती है जब वो रास्ते में होती है। सूखे एप्रिकॉट पर गर्म पानी डालें और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालें। सूखे एप्रिकॉट को छोटे टुकड़ों में काटें और उन्हें ओट्स में डाल दें और ड्राई फ्रूट्स डालें और कटे हुए खजूर डालें। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को ओट्स में मिलाएं, अखरोट और बाकी नट्स को मिलाएं, उन्हें इस मिश्रण में डाल दें, शहद डालें और हिलाएं। इस मिश्रण को प्लास्टिक रैप में डालें और रोल कर लें और उसे पार्चमेंट पेपर पर रखकर अवन में 40 मिनट तक 230 डिग्री पर सुखाएं। इस तैयार मिश्रण को बार्स में काटें। इसे फॉइल में लपेट लें। बुरा नहीं, ये स्वादिष्ट और मजेदार है। हम ऊर्जा से भर गए और जाने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है हम खो गए हैं। हमारे पास सबके लिए एक ट्रिक है जिन्हें भी वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम। एक ढक्कन में पानी भरें, एक सुए को सिंथेटिक कपड़े पर रखें, उस पर पत्ता रखें और सुई ऊपर रख दें। सुई की नोक हमें रास्ता बताएगी। हमारा घरेलू कंपास काम कर गया। अब हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। क्या आपको हमारे कैंपिंग लाइफ हैक्स
और प्रैंक्स पसंद आए तो हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सा लाइफ हैक जंगल में बचाने के लिए और अपने दोस्तों को डराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई नई वीडियोस मिस ना करें।